तो भाई क्या हाल है, कैसे चल रही है तुम्हारी जिंदगी? तो यार लॉकडाउन का सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 भी ख़त्म हो गया और 4 भी आ चुका है, पर यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से मेरा रोस्ट वीडियो नहीं आया। खैर छोड़ो, तो यार आज हम बात करेंगे एक बेहद बड़े और जाने माने यूट्यूबर के बारे में। वैसे तो इस यूट्यूबर के बारे में बुरा भला कहने के बाद अक्सर लोगों के अंदर से यही आवाज़ निकलती है, लेकिन आज भले मेरी जवान टूटे, सर फूटे या फिर मेरी गांठ फटे, लेकिन आज तो मैं इस चेरी मीठा का रोस्ट करके ही रहूंगा। अबे ये चेरी मीठा कौन है यार? क्या कैरी मिनाटी का रोस्ट करना है? अबे यार दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? औकात में रह के बात कर। अच्छा मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा ना यार। घर पे राशन खत्म हो गया क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं चेरी मीठा के उस वीडियो के बारे में जिसने हमारे हंसते खेलते टिकटॉकर्स का घर उजाड़ दिया है। तो जहां एक तरफ यूट्यूबर्स का कहना है कि हमारी तरह लंबी चौड़ी वीडियो बना के दिखाओ यार, तो वहां दूसरी तरफ टिकटॉकर्स का कहना है कि यार छोटा है तो क्या हुआ यार, हमें भी देख के लोग बड़े मजे लेते हैं यार। अबे एक क्या स्क्रिप्ट है यार? अच्छा, वीडियो के बारे में बात हो रही है। अच्छा, तो फाइनली हमारे इस यूट्यूब के अर्णब गोस्वामी ने यूट्यूब पे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जंग छेड़ दी है और ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे कोहराम मच चुका है। लेकिन वो एक कहावत है ना, वो क्या कहते हैं, आग चाहे जितना बड़ा हो जाए पहाड़ के नीचे ही रहता है। तो आखिरकार हमारे कैरी मीठा भाई के इस खूबसूरत वीडियो का दी एंड हो ही गया और 14 तारीख को इस वीडियो ने यूट्यूब पे आखिरी सांस ली और फिर यूट्यूब ने कहा भग भोसड़े के भग, कोई नियम कानून मान मर्यादा है भी कि नहीं भग? पर जाते आते उस खूबसूरत वीडियो ने उन सारे टिकटॉकर्स भाइयों के लिए ये 3 शब्द छोड़ गए। पहला शकलका बुम बुम पेंसिल, दूसरा बेटी और तीसरा 200 रुपये में मिठाई के दुकान में बिकते हो तुम लोग। यार यार क्या सच में यार ये टिकटॉक क्या 200 रुपये में मिठाई की दुकान में बिकते हैं? ले एक फ्रेश जन्नत जुबेर दे और इसके लिए एक मीठा आमिर सिद्दीकी। प्रमोशन करके चेरी मीठा भाई खूब पैसा छाप रहे थे, लेकिन आज एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात यह है कि हमारे चेरी मीठा भाई बार बार जानबूझ के ऐसी बकचोदी क्यों करते हैं और ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों का रोस्ट क्यों करते हैं जो पहले से ही भुने हुए हैं। अरे भाई रोस्ट ही करना है तो भुवन की करो, अमित की करो, आशीष की करो, कैरी की करो। अच्छा कैरी वो खुद है। अच्छा लेकिन नहीं, हमारे कैरी मीठा भाई को गरीबों के आमिर खान आमिर सिद्दीकी का ही रोस्ट करना था। अब देखो मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। वाह, इसे कहते हैं फॉर्चून कच्ची घनी तेल में मैगी भुना मसाला से रोस्ट करना। देखो भाई मेरी उन सारे लोगों से ये हाथ जोड़ के दरखास्त है कि जिन लोगों ने भी अपनी यूट्यूब की करियर भैंचोद से शुरू की है, देखो भाई मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि रोस्ट का मतलब हंसी मजाक करना होता है, ना बल्कि लोगों को रूह अफ़ज़ा में फिनाइल मिला के पीने में मजबूर करना होता है। और बात अगर करें चेरी मीठा के रोस्ट के बारे में, तो आजकल चेरी मीठा के रोस्ट और गोदी मीडिया के न्यूज़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही बवासीर फैला रहे हैं। नहीं नहीं तू एक काम कर, तू ना स्ट्राइक मार बहनचोद, असली तो फुद्दू बैठे हैं यहाँ पे, तू मार स्ट्राइक। चेरी मीठा के इन्हीं हरकतों के वजह से आजकल उसके वीडियो में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैरी भाई आजकल तुम्हारे वीडियो में वो पहले जैसी बात नहीं रही। भाई पहले जैसी बात कहाँ रहेगी अगर तुम रोस्ट की जगह लोगों की शक्ल और बॉडी का मजाक उड़ाओगे। और रही बात चेरी मीठा के अपने खुद के शक्ल की, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई धीमी आंच पे गैस पे बिठा के भूल गया होगा। तो जाते आते हमारे चेरी मीठा भाई से ये दरख्वास्त है कि अगर रोस्ट की ही बात है तो दिन में हम 4 बार तुम्हारा रोस्ट कर दें, वो भी बिना तेल के,
लेकिन जिस तरह से क्रिकेटर भगवान सचिन को माना जाता है ठीक उसी तरह रोस्ट का भगवान तुम्हें माना जाता है। तो इसलिए किसी के भी गांड करने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि हम सबका बाप यूट्यूब हम क्रिएटर्स की गांड कभी भी मार सकता है। और जो लोग भी कह रहे हैं जस्टिस फॉर कैरी, भाई यार उसका वीडियो डिलीट हुआ है यार, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ गया है यार, उसको जस्टिस की कोई ज़रूरत नहीं यार, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे शेयर विद अरब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या स्क्रिप्ट चाहिए सब, क्या